नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल की अपनी संगीत की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम त्रिताल की चौगुन बनाना सीखेंगे। देखिए, मैंने पहले से थोड़ा सा काम करके रखा है। अब की मैंने चारों विभाग ठेके की तरह ही बड़े बड़े बनाए, क्योंकि अब एक में एक मात्रा में चार बोल लिखने हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा जगह लगेगी। इसीलिए मैंने चार बड़े बड़े विभाग बनाए। पहला विभाग बनाने के बाद यहाँ लाइन खींची, फिर पांचवी मात्रा यहाँ से शुरू हुई तो फिर एक लाइन खींची। इसी तरह ये तीसरा विभाग और ये चौथा विभाग। अब हम चारों विभाग बनाने के बाद जहाँ पे चिन्ह होते हैं वो चिन्ह वहीं लगा लेते हैं। पहली मात्रा के नीचे सम, पांचवी मात्रा के नीचे दूसरी ताली, नवी मात्रा के नीचे खाली और तेरहवीं मात्रा के नीचे तीसरी ताली। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो बोल हैं सारे उनको हमें चार बार लिखना होता है। तो हमने ये बोल भी पहले से लिख के रख लिए हैं। धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा तिन तिंता, ता दिन धिंदा। ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, या चार बार। अब हम चार चार के जोड़े बनाएंगे। एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार और एक दो तीन चार। इनको नंबर दे देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और 16। ये देखिए, हमारे पास फिर से 16 ही जोड़े बने और हमारे पास 16 ही मात्राएं हैं। अब हमें फिर से वही काम करना है जो हमने पहले किया था कि जिस नंबर के नीचे जो जोड़ा है वो हमने उसी मात्रा के नीचे लिख लिया। पहले नंबर के नीचे क्या है? धा धिन धिंदा। तो हमने पहली मात्रा के नीचे लिखा धा धिन धिन धा। अगले में आया धा धिन धिन धा। फिर तीसरे में आया धा तिन तिन ता। और चौथे में आया ता धिन धिन धा। देखिए, मैंने आगे फिर से लिख लिया है जिस जोड़े के नंबर पे जो भी जोड़ा आया वो मात्रा के नीचे लिख दिया है। इस तरह से सारे जोड़े हमने उन्हीं मात्राओं के नीचे लिख दिए हैं। और फिर ये क्या हो गया? धा धिन धिंदा, धा धिन धिंदा, धा तिन तिंता, ता धिन धिंदा, धा धिन धिंदा, धा धिन धिंदा, धा तिन तिंता, ता धिन धिंदा, धा धिन धिंदा, धा धिन धिंदा, धा तिन तिंता, ता धिन धिंदा, धा धिन धिंदा, धा धिन धिंदा, धा तिन तिंता, ता धिन धिंदा। और पहली मात्रा के नीचे फिर से धा आ जाएगा। इस तरह से ये हमारी त्रिताल की चौगुन लिखने की विधि बन गई। आगे की कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।